दोस्तों, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 90 के दशक की एक ऐसी रोमांटिक फिल्म थी जिससे कि शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी पूरे भारत में फेमस हो गई थी। ये बहुत ही हिट फिल्म थी और आज भी इसे कई बार देखने पर भी आपका मन नहीं भरेगा। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को देखने में जितना मजा आता है, लेकिन जब इस फिल्म को बनाया जा रहा था तब उस शूटिंग सेट पर क्या क्या हुआ था, तो वो देख कर आपको इससे भी ज्यादा मजा आएगा। इसी वजह से दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, इस मूवी का सबसे फेमस ट्रेन वाला सीन तो आप सभी को याद ही होगा, जहां पर कि सिमरन के पिता अमरीश पुरी जी कहते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो इसके बाद SRK अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिमरन को ट्रेन में चढ़ा लेते हैं। लेकिन इस सीन को शूट करने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि इस सीन को सही तरीके से शूट करने के लिए 12 बार रीटेक लिए गए थे, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर इसे सबसे अलग तरीके से शूट करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने बार बार इतने रीटेक लिए थे और इसके बाद उनकी मेहनत के चलते ये बहुत ही सफल सीन साबित हुआ। इसके बाद दोस्तों, आपने मेहंदी लगा के रखना ये गाना तो जरूर सुना होगा, जिसमें कि काजोल शर्मानी की एक्टिंग करती है। लेकिन जहां पर शर्म हर एक लड़की का गहना होता है, तो वहीं खुले डुले माहौल में पली हुई काजोल को शर्माना नहीं आता था और इस सीन में दुल्हन की एक्टिंग करने के लिए शर्माना बहुत ही जरूरी था। लेकिन काजोल को शर्माने का मतलब तो बिल्कुल पता नहीं था और इसके लिए डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने खुद बैठकर उन्हें शर्माना सिखाया था और इस तरह से सरोज खान और डायरेक्टर की मदद से काजोल ने शूटिंग को पूरा किया था। इसी के साथ दोस्तों, आपने होटल के कमरे वाला ये सीन तो जरूर मिस नहीं किया होगा, जहां पर कि काजोल शाहरुख खान की शर्ट पहनकर शाहरुख खान से बात कर रही होती है। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही इमोशनल सीन था, लेकिन इस सीन को बहुत ही हंसी मजाक वाले माहौल में शूट किया गया था, क्योंकि डायलॉग बोलते समय काजोल को बार बार हंसी आ जाती थी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं सबसे खूबसूरत सीन की, जब शाहरुख खान सरसों के खेत में अपनी बाहें फैलाते हैं। तो दोस्तों, इस गाने की शूटिंग हरियाणा के गांव में हुई थी और इस गाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए धुआं छोड़कर इसे शूट किया गया था, जिससे कि ये गाना और भी रोमांटिक हो गया था। लेकिन इस गाने को खेतों में शूट करने के लिए इन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने खेतों के मालिक से इसकी इजाजत नहीं ली थी। इसलिए खेतों के मालिक ने वहां आकर शूटिंग बंद करवा दी थी और इनसे बहस करने लगे थे, क्योंकि डायरेक्टर ने सिर्फ सरपंच से इसके बारे में बात की थी, लेकिन सरपंच ने खेतों के मालिक को नहीं बताया था। इसके बाद शाहरुख खान द्वारा खेतों के मालिक से बात करने पर यह मामला शांत हुआ था, क्योंकि शाहरुख खान हरियाणवी काफी अच्छी बोल लेते थे, इसीलिए जैसे तैसे उनको मनाने के बाद ये शूटिंग पूरी हो पाई थी। दोस्तों, ये सीन मुंबई के रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया है। इस सीन को शूट करने के लिए 2 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था और इस सीन के तुरंत बाद शाहरुख खान ट्रेन के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और इस सीन को भी कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और दोस्तों, फिल्म में काजोल का बारिश वाला ये गाना तो आप सभी को याद ही होगा, जिसमें वो छोटी सी स्कर्ट में डांस करती हुई नजर आई है। ये गाना था मेरे ख्वाबों में जो आए, इसको बहुत ही बोल्ड माना गया था। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि उस समय सिमरन की ये स्कर्ट इतनी छोटी नहीं थी, बल्कि ये काफी लंबी थी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा साहब को इसकी लंबाई अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए उन्होंने डिजाइनर को बोलकर इसे काट कर छोटा करवा दिया था। और इसके साथ ही हो गया है तुझको प्यार सजना, ये वाला गाना भी आप सभी को याद ही होगा। ये सीन भी इसी गाने का है, जहां पर इन दोनों के पीछे आपको बकरियां नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि इस गाने को भी शूट करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि बकरियां हरी हरी घास को देखकर मैदान में भाग जाती थी और इसीलिए एक आदमी के द्वारा इन बकरियों को बांधकर एक जगह खड़ा कर दिया गया था, और जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, काजोल का ये रेड ड्रेस वाला सीन काफी हॉट था। ये गाना जरा सा झुमलू में एक बर्फ में शूट किया गया था, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि जब काजोल इस गाने को शूट कर रही थी, तो ऐसे में वो पैर स्लिप होने के कारण नीचे लुढ़कती हुई गिर गई थी और ऐसा होने की वजह से उन्हें काफी चोट भी लग गई थी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये काफी रोमांटिक मूवी थी, इसीलिए इसमें मारधाड़ वाले सीन कम ही दिखाए गए हैं। इस फिल्म के लास्ट वाले सीन में जब शाहरुख खान इस गुंडे से फाइट कर रहे होते हैं, तो इस सीन को कुछ इस तरीके से शूट किया गया था। तो 90 की दशक की इस फिल्म ने काफी नाम कमाया था। सिर्फ 4 करोड़ में बनने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ की कलेक्शन की थी। इसी वजह से दोस्तों, आप बताइए कि आपने इस रोमांटिक मूवी को कितनी बार देखा है या बार बार देखा है। अगर हाँ, तो हमें कमेंट में लिखकर इसके बारे में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।